नमस्कार दोस्तों, आईपीएल के फर्स्ट क्वालिफायर मैच में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हां, आईपीएल के फाइनल की दौड़ शुरू हो चुकी है और उस दौड़ में जो सबसे ऊपर दो नाम है, जो एक की जर्नी है वो फाइनल में जाके रुकेगी, कलकत्ता वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, आपने अभी तक एक चीज देखी होगी कलकत्ता और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के लिए कि ये दोनों टीमें जब भी खेली है बहुत अटैकिंग खेली है, बहुत सारे रन्स बनाए हैं, ये चीज आपने देखी होगी। लेकिन आज मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो मैच है वो होने वाला है अहमदाबाद में। जी हाँ, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद है वहां पे ये मैच होने वाला है और वहां की आपको कंडीशंस मैं आपको बताऊंगा कैसी रहती है। ये नहीं है कि रन्स नहीं बनते, लेकिन कुछ चीजें आपको बताऊंगा तो वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपकी फैंटेसी टीम के लिए। आपको पता चलेगा कि आपको कैप्टन किसको बनाना चाहिए, किसको नहीं बनाना चाहिए, क्यों बनाना चाहिए, कौन आपके लिए डिफरेंशियल पिक बन सकता है, कौन आपके लिए गेम चेंजर ट्रम्प कार्ड वो कैप्टन बन सकता है, ये बहुत सारे सवाल हैं। तो इस मैच में क्या कुछ होगा ये आगे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और जितना सपोर्ट दिखा सकते हो उतना सपोर्ट दिखाओ। सपोर्ट बस आपको कुछ नहीं करना, वीडियो को लाइक करना है, बस सिंपल सी चीज है, आपको वीडियो को लाइक करना है। जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो, जरूर से आप लोग है वो वीडियो को लाइक करेंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं लाइक करो। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आज आपको बताने वाला हूं, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के मैच को लेके। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं आपको जुड़ जाना चाहिए। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जुड़ने का आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। बेनिफिट्स मींस होता है कि यार देखो, वीडियो में मैं आपको जो टीम दे रहा हूं उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं टॉस के बाद, या फिर ऐसा हो सकता है कि यार प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस हो तो उसके हिसाब से टीम चेंज करनी पड़े, तो वो सारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है टॉस के बाद टेलीग्राम चैनल पे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। सबसे पहले वेन्यू को लेकर बात करते हैं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में मैच खेला जाएगा। देखिए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे रन्स बने हैं, गुजरात ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, लेकिन एक चीज जो मेरे माइंड में हमेशा रहती है कि यहाँ पे जो एक तो स्पिनर्स है लाइक आप वरुण चक्रवर्ती को यहाँ पे एडवांटेज मिल सकता है, क्योंकि जो बाउंड्रीज की डायमेंशन है ना वो बड़ी है, तो बाउंड्रीज की डायमेंशन बड़ी है जिसका सीधा सीधा जो बेनिफिट है वो एक गेंदबाज को जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप गेप्स नहीं निकाल सकते हैं, अमोंग द ग्राउंड आप नहीं खेल सकते हैं, हर बॉल को अगर आप उड़ाने की कोशिश करोगे तो फिर वो प्रॉब्लम में डालेगी आपको, एक बार आप पकड़े जाओगे इस तरीके की पिच है। अब देखिए, लास्ट मैच गुजरात का हुआ था, वहां पे नहीं पकड़े जा रहे थे, मतलब उस दिन गुजरात का एकदम ही दिन था, साई सुदर्शन छक्के मार रहा था तो वो तो था ही, लेकिन ऐसे विकेट है कि जहां पे बैट्समैन से ज्यादा गेंदबाजों को एडवांटेज मिलता है बाउंड्रीज की डायमेंशंस का, जो बाउंड्रीज है उसका बेनिफिट है जो कि गेंदबाज को मिलता है, तो वो चीज ध्यान में रखना। अब इस बाउंड्रीज के डायमेंशंस में कौन कौन फंस सकता है वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज होगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रहने वाली है, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको आगे है वो मैं बताता चलूंगा। बाकी विकेट ऐसा है जहां पे आप इक्वल क्वांटिटी प्लेयर्स की ले सकते हो, गेंदबाज ऑलराउंडर्स बैट्समैन, समझ गए। बाकी देखिए, टोटल यहां पे 33 मैच खेले गए, 14 बैटिंग फर्स्ट ने, 18 चेजिंग ने, यहाँ पे स्कोरिंग पैटर्न देखना, हर टाइप की स्कोरिंग इक्वल है, बैलेंस्ड पिच है, 169 का एवरेज स्कोर है जो कि रहता है। अब बाकी आपके रिसेंट के मैचेस ये भी आपको दिखा देता हूं, लास्ट मैच 10 मई को खेला गया था, गुजरात ने 231 के सीएसके चेज नहीं कर पाया था, यहाँ पे पेसर्स को 7, स्पिनर्स को 2 विकेट मिला, यहाँ पे आप देखोगे टोटल 11 विकेट गिरी थी। यहां देखोगे जेटी ने 200 किए, आरसीबी चेज कर गया, केवल ये मैच 16 ओवर में चेज हुआ था, पेसर्स को 1, स्पिनर्स को 3, टोटल विकेट गिरी थी यहां पे 4। यहां गुजरात ने 89 रन बनाए 10 विकेट पे, डीसी 92 पे 4, टोटल 9 विकेट्स गिरी पेसर्स के लिए, स्पिनर्स के लिए 4, टोटल विकेट्स गिरी 14। तो यहां पे आप देखोगे रन्स है उतने ज्यादा विकेट्स भी नहीं आए, लेकिन ये चीज इस विकेट पे कभी भी हो सकती है,
ये विकेट पे है, वो ये चीज कभी भी हो सकती है, तो आपके लिए आपको इस चीज के लिए भी रेडी रहना पड़ता है कि 150-60 रन भी बन सकते हैं, क्योंकि इसी विकेट पे जब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम खेली थी यहाँ पे किसके वर्सेस जीटी के, तो वहां पे जीटी ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था और 160-70 रन ही हैदराबाद की टीम है जो कि बना पाई थी। यही हैदराबाद की टीम जो 280-270 बना रही थी यहां पे आके फंसी थी, समझ रहे हो ना। तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है, बाकी इक्वल चीजें मांग रहा है विकेट। पेसर्स को 17, 9 फर्स्ट इनिंग्स में, सेकंड में 8, स्पिनर्स को 9 विकेट, फर्स्ट में 5, सेकंड में 4। यहां पे पावर प्ले में देखो क्या हुआ, पावर प्ले समझना ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 58-0 ये जीटी का है लास्ट मैच का, 43-3 चली गई किसकी, सीएसके की, 42-1, 63-1, 30-4, 67-4, 52-1, 54-2, 56-1, 52-1, 47-1, 52-2। केवल आप ये दो मैच निकाल दो तो 60 से ज्यादा केवल दो इनिंग्स में रन बने हैं। अदर विकेट पे आप जाओगे ना तो हर मैच में आपको 70-1 या फिर 80-2 या फिर 67-1 तो उस इस तरीके से दिखे, लेकिन यहां पे देखना। और ये चीजें भी आई है, समझना, ये चीजें भी है ना, ये चीजें जो आपको दिख रही है ये भी इस विकेट पे आई है, तो रेडी रहना। 12 में से केवल एक इनिंग्स ऐसी है जहां पे पावर प्ले में विकेट नहीं गई, अपितु हर इनिंग्स में है वो जो कि विकेट देखने को मिल रही है इस वेन्यू पे, समझ के चलना, ये ग्रैंड लीग में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। बाकी 26 मैच खेले गए, 17 कलकत्ता ने, 9 हैदराबाद है, तो कलकत्ता बढ़िया खेलिए। बाकी यहाँ पे हेड टू हेड मैचेस की बात कर लेते हैं, ये कोलकाता में हुआ था, केकेआर 208-9, सनराइजर्स 204-7, ये मैच केकेआर जीत गया था। यहां हैदराबाद में 2023 में केकेआर 171, सनराइजर्स 166, दोनों मैच है जो कि केकेआर ने जीते हैं। यहां देखना कॉमन प्लेयर्स में सुनील नारायण फ्लोप, रिंकू सिंह फ्लोप, रसल 64+2, हर्षित राणा 3 विकेट, चक्रवर्ती 1, उसकी तरफ से अभिषेक शर्मा 32, त्रिपाठी 20, क्लासे ने 63 किए, नटराजन 3 और पैट कमिंस 1। यहां देखना नीतीश राणा 42, रिंकू सिंह 46, अंडर रशल 24+1, वैभव अरोड़ा फ्लो सॉरी 2 विकेट, चक्रवर्ती और हर्षित को 1-1 विकेट। राहुल त्रिपाठी फ्लोप, एडन माकम 41+1, हेनरी क्लासेन 36, मार्को यानसन का आप देखोगे टी नटराजन को 2-2 विकेट, भुवनेश्वर कुमार को 1 विकेट। तो ओवरऑल देखोगे एक इनिंग्स ये जो है ना, ये 64+2 और हर्षित राणा, ये दो ऐसी आई है जहां पे बहुत सारे पॉइंट्स मिले, बाकी नॉर्मल से रहे हैं और केवल 3 से 4 प्लेयर ने परफॉर्म किया है, 3 से 4 प्लेयर ने। अब इस मैच में आप देख लो किसने, आंड्रे रसल ने, नीतीश राणा ने और हेनरी क्लासेन और नटराजन, यानी कि 4 प्लेयर ने परफॉर्म किया। यहां देखोगे यहाँ पे नीतीश राणा एवरेज, रिंकू सिंह एवरेज 2, यहाँ पे आप देखोगे 24+1 आंड्रे रसल 3, उसके अलावा अगर आप देखोगे मार्करम 4 और यहाँ पे नटराजन, और इसमें 5-6 दिखे थे वहां पे, 5-6 इसलिए कि 2-3 गेंदबाजों को 2-2 विकेट मिला था, तो 5 से 6 प्लेयर ही यहाँ पे ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको पकड़ना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो ना, उनको पकड़ना बहुत जरूरी है। केकेआर की प्लेइंग 11 देखिए, रहमानुल्लाह गुरबाज आपको ओपन करते हुए दिख सकते हैं बिकॉज फिल शॉल्ट जा चुके हैं, सुनील नारायण, नीतीश राणा है, श्रेयश अय्यर है, वेंकटेश अय्यर है, रिंकू सिंह है, आंड्रे रसल है, वैभव अरोड़ा, मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती। हर्षित राणा और मिचेल स्टार्क है जो कि डेथ में गेंदबाजी करते हैं, समझ रहे हो ना, वो जो कि डेथ में गेंदबाजी करते हैं। बॉलिंग ऑप्शन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये मेन 5 गेंदबाज है, इसमें इंपैक्ट में कौन आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। फुल स्टैट्स में रहमानुल्लाह गुरबाज, रिसेंट नंबर्स आप देखोगे तो उतने अच्छे नहीं है, ये आप देख सकते हो। हेड टू हेड इस टीम के सामने 2 मैच में 2 डक्स है, ध्यान में रखना, सनराइजर्स हैदराबाद के सामने रहमानुल्लाह गुरबाज के 2 डक्स हैं। वेन्यू पे 1 मैच में 15 रन है, ओवरऑल देखोगे 12 मैच में 20 का। अगर केकेआर की टीम पहले बैटिंग करती है यू शुड ट्राई गुरबाज, क्यों, गुरबाज आपको विकेट कीपिंग देंगे, साथ ही पावर प्ले में आएंगे, अटैकिंग बैट्समैन है, 30 रन भी अगर करके चला गया प्लस 1-2 कैचेस पकड़े तो आपके लिए पॉइंट हो जाएंगे 55+ या फिर 60, तो फिर मुझे लगता है डिफरेंशियल पिक बन सकता है। उसके अलावा अगर आप देखोगे बैटिंग सेक्शन में नीतीश राणा का नाम आता है, नंबर्स आप देखोगे
एवरेज है, हेड टू हेड 16 मैच में 34 का एवरेज। इस वेन्यू की बात करते हैं, 20 की एवरेज के साथ खेले हैं 3 मैच में, ओवरऑल देखोगे 28 का है। इस पे आऊंगा मैं। श्रेयस अय्यर रिसेंट नंबर उतने अच्छे नहीं है, ना ये आईपीएल अच्छा गया, हेड टू हेड 16 मैच में 30 का एवरेज, वेन्यू पे खेला नहीं, ओवरऑल 114 में 32। यहां पे इन दोनों में से एक आपको परफॉर्म करके दे सकता है, दोनों को एक साथ लेके मत जाना। नीतीश राणा बढ़िया खेलते हैं लेकिन थोड़ा सा अटैकिंग भी जाते हैं, श्रेयस अय्यर का भी सेम ही है, यानी कि आप मान के चलो दोनों सेम स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, दोनों सेम से प्लेयर है। नीतीश राणा पे आप चांस ले सकते हैं ओवर श्रेयस अय्यर, सेफ जाना है तो फिर आप श्रेयस अय्यर के साथ जा सकते हो, मे बी मैं नीतीश राणा ट्राई करूं। उसके अलावा वेंकटेश अय्यर की बात करते हैं तो नंबर्स ठीक है, हेड टू हेड 6 में 7 का एवरेज, वेन्यू पे 1 में 83 रन है, ओवरऑल 49 में 27 का एवरेज। देखिए वेन्यू पे खेला बढ़िया लेकिन कहीं ना कहीं मुझे वो चीज दिखती है कि अटैकिंग खेलता है तो यार पकड़ा जा सकता है बाउंड्री पे, क्योंकि डायमेंशंस बड़ी है। उसके बाद रिंकू सिंह की बात करते हैं, नंबर्स इस सीजन अच्छे रहे नहीं, हेड टू हेड 5 में 40 का एवरेज, वेन्यू पे 1 में 48 रन है, ओवरऑल 44 में 32 का। तो रिंकू सिंह से भी थोड़ी सी यही दिक्कत रहेगी कि इस वेन्यू पे उतना इजी नहीं होगा अटैक करना। बाकी सुनील नारायण की बात करते हैं, ओपन करते हैं, अच्छे नंबर्स है, हेड टू हेड 23 मैच में 12 विकेट, वेन्यू पे 4 मैच में है जो कि 7 विकेट है और 3 डक्स है, ध्यान में रखना इस वेन्यू पे 4 मैच में सुनील नारायण के 3 डक्स है, समझ रहे हो ना। ओवरऑल 175 में 178 विकेट, हालांकि देखिए कैप्टन चॉइस में रहेंगे क्योंकि इस विकेट पे गेंदबाजी सुनील नारायण की बहुत अच्छी हो सकती है, तो अगर थोड़ा बहुत रन्स भी कर जाते हैं तो फिर यार रहते हैं। आंड्रे रसेल नंबर बढ़िया है, हेड टू हेड 16 मैच में 27 का एवरेज, वेन्यू पे 4 में 19 का एवरेज, ओवरऑल 125 में 29 का एवरेज। मैं आपको बोलूंगा कैप्टनसी के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, अगर आंड्रे रसेल गेंदबाजी नहीं कर रहा होता मैं आपको बोलता कि फ्लोप हो सकता है, समझ रहे हो, लेकिन गेंदबाजी भी करता है तो यार गेंदबाजी प्लस बैटिंग आपको दोनों दे रहा है तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं है मतलब इंपोर्टेंट हो जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, 2-3 ग्रैंड लीग की टीम ऐसी जरूर बनाना जहां पे आप आंड्रे रसेल को ड्रॉप करके जा सकते हो, समझ रहे हो ना इस चीज को। बाकी वैभव अरोड़ा है जो कि नंबर्स आप देखोगे उतने अच्छे नहीं, हेड टू हेड 2 में 2, वेन्यू पे खेले नहीं, ओवरऑल 18 में 17। मिचेल स्टार्क इसके नंबर एवरेज है, हेड टू हेड 4 में 3, वेन्यू पे 1 में 3, ओवरऑल 39 में 46। हर्षित राणा बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, हेड टू हेड 2 में 4, वेन्यू पे खेले नहीं, ओवरऑल 19 में 22। कौन इंपॉर्टेंट होगा वो भी बताऊंगा। वरुण चक्रवर्ती के नंबर अच्छे हैं, हेड टू हेड 9 में 8, वेन्यू पे 3 में 1, ओवरऑल 69 में 80। अब यहां से मेरे लिए ये दो प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, एक तो हर्षित राणा, एक वरुण चक्रवर्ती। बात की उसमें ऐड करना चाहो स्टार्क वगैरह कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है इनको एक से ज्यादा विकेट है जो कि मिलेगा। बाकी मिचेल स्टार्क 3-4 ओवर डालते हैं, लास्ट के 2-3 मैच से नहीं करते आ रहे हैं। हर्षित राणा डालते हैं, सुनील नारायण डालते हैं, आंड्रे रसेल डालते हैं, सुयेश शर्मा खेले नहीं है, वरुण चक्रवर्ती डालते हैं, अंकुश रॉय है, उसका वैभव अरोड़ा, दुश्मंत चमीरा। मिचेल स्टार्क, वैभव अरोड़ा, सुनील नारायण पावर प्ले में, डेथ में आप देखोगे हर्षित राणा, मिचेल स्टार्क मेनली डालते हैं, उसमें रसेल भी कभी कभी आते हैं। इंपैक्ट में कौन आ सकता है, इंपैक्ट में मनीष पांडे आ सकता है अगर बैट्समैन की जरूरत पड़े, अगर गेंदबाज की जरूरत पड़ी तो यहाँ पे चेतन सकारिया है, उसके अलावा रमनदीप सिंह है जो कि आपको दिख सकते हैं, रमनदीप सिंह खेलते हैं केकेआर के लिए तो वो आपको दिखेंगे इंपैक्ट में, प्लेइंग 11 में भी आ सकते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 देखिएगा, ट्रिविया सेट अभिषेक शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरी क्लासेन, यहाँ पे आप त्रिपाठी को भी रख सकते हो जो कि लास्ट मैच खेले थे, अब्दुल समद, सनवीर सिंह, शहबाज अहमद, पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, विजय व्यासक और टी नटराजन, ये 11 प्लेयर है। टी नटराजन और भुवनेश्वर कुमार डेथ में करते हैं, वहां पे पैट कमिंस भी है जो कि डेथ में गेंदबाजी करते हैं, समझ गए। यहाँ पे आप देखोगे तो हेनरी क्लासेन है, नंबर्स आप देखोगे हेनरी क्लासेन के तो एवरेज से रहे, हेड टू हेड 5 में 66 का एवरेज, वेन्यू पे 2 में 44 का है, तो वेन्यू पे अच्छे खेले हैं, केकेआर को अच्छा खेले हैं ध्यान में रखना, ओवरऑल 32 में 38 का। अगर यहाँ पे हैदराबाद की टीम पहले बैटिंग कर रही है आपके लिए गेम चेंजर कैप्टन बन सकता है और आपको कहीं ना कहीं मान के चलना। देखिए हेनरी क्लासेन पहले बैटिंग करे, केकेआर की टीम पहले बैटिंग करे, यहां से दोनों में से एक आपके लिए गेम चेंजर कैप्टन बन सकता है, वो चीज ध्यान में रखना आप, समझ रहे हो। स्पेशली फर्स्ट बैटिंग में ग्रैंड लीग में तो ट्राई जरूर करके जाना। उसके अलावा ट्रिवियस हेड है,
लास्ट मैच फ्लो, बाकी ठीक है इनके नंबर्स। उसके अलावा अगर आप देखोगे एक मैच में 75 है हेड टू हेड में, वेन्यू पे एक मैच में 19 वेन्यू पे फंसे, लेकिन ये इतना बंदा मारता है ना, ये पावर प्ले में रन्स कर जाता है। तो पावर प्ले में अगर रन्स कर रहा है तो बाद में उतनी जरूरत नहीं पड़ती है कि बाउंड्रीज की डायमेंशंस क्या है, क्योंकि ये 50 तो पावर प्ले में ही कर जाता है, तो ध्यान में रखना उस चीज को। अभिषेक शर्मा के नंबर्स बढ़िया है, हेड टू हेड 7 में 21 का, वेन्यू पे 2 में 17 का, ओवरऑल 59 में 24 का एवरेज है, यस आपके लिए सेफ रहेगा। अब्दुल शमद के नंबर्स आप देखो कुछ खास नहीं, 5 मैच में 25 का एवरेज हेड टू हेड, वेन्यू पे 2 में 16 20 का एवरेज है, ओवरऑल में ज्यादा सजेस्ट आपको अब्दुल शमद को करूंगा नहीं। बाकी यहां पर रेड्डी की बात करते हैं तो रेड्डी 37+0 20+0 अच्छा कर रहे हैं, 76+0 15+0 13 गेंदबाजी भी कर रहे हैं। अगर गेंदबाजी नहीं करते हैं तो छोड़ सकते हो, हेड टू हेड खेले नहीं, वेन्यू पे नहीं खेला, ओवरऑल 12 में 47 का एवरेज है, छोड़ सकते हो। अगर जगह नहीं बन पा रही है नीतीश रेड्डी के लिए तो छोड़ सकते हो, वो चीज ध्यान रखना। सनवीर सिंह के नंबर्स अच्छे नहीं है, हेड टू हेड खेला नहीं, वेन्यू पे 1 में 7 ओवरऑल 5 में 25, मैं ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा। उसके अलावा शहबाज अहमद की बात, देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, ऐसा भी हो सकता है कि सनराइजर्स हैदराबाद के 3-4 विकेट जल्दी चले जाए, अगर 3-4 विकेट जल्दी जाते हैं तो सनवीर सिंह फिर आपके लिए एक ग्रैंड लीग पिक बन सकते हैं, तो उसको टीम में इस तरीके का एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। शहबाज अहमद के नंबर्स उतने अच्छे नहीं, हेड टू हेड 6 में 11 का एवरेज, वेन्यू पे 3 में 21 का, ओवरऑल 51 में 21 का, ओवर्स भी करते हैं। सेम चीज जो मैं आपको बोली कि हैदराबाद की ये कोलैब हो सकता है, वो एक माइंड में रखना आप, उस तरीके से अगर आप टीम बनाते हो तो शहबाज अहमद को फिर आप अपने टीम में रख सकते हो। बाकी आप देखोगे पैट कमिंस ऑफकोर्स आपको रखना है, नंबर्स भी अच्छे हैं, हेड टू हेड 3 मैच में 3 विकेट निकाली है पैट कमिंस ने, वेन्यू पे 3 मैच में 6 विकेट है, ओवरऑल 54 में 59 विकेट है। भुवनेश्वर कुमार के नंबर्स ठीक है, हेड टू हेड 28 में 32 विकेट है, वेन्यू पे 3 में 9, ओवरऑल 172 में 181। अगर सेकेंड इनिंग्स में जब बॉलिंग करती है ना सनराइजर्स हैदराबाद की टीम, देन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। विजय व्यासक के नंबर्स लेग स्पिन करते हैं, हेड टू हेड खेले नहीं, वेन्यू पे खेले नहीं, ओवरऑल 2 में 1 है। नटराजन ठीक कर रहे हैं, हेड टू हेड 8 में 14, वेन्यू पे 1 में 1, ओवरऑल 57 में 63। तो पैट कमिंस हो गया, टी नटराजन हो गया, भुवनेश्वर कुमार को सेकेंड इनिंग्स में बॉलिंग करते हैं तो ले सकते हो। ओवरिंग ये किस तरीके से करते हैं वो भी देख लो, भुवनेश्वर पूरे डालते हैं, नटराजन पूरे डालते हैं, पैट पूरे डाल रहे हैं लगातार। उसके अलावा अगर आप देखोगे शहबाज अहमद के ओवर्स करते हैं, उसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी ने लास्ट मैच में 3 ओवर डाल दिए थे, व्यासक 4-4 ओवर डाल रहा है, भुवनेश्वर कुमार, पैट कमिंस, शहबाज अहमद, पोर प्ले डेथ में पैट कमिंस, नटराजन और भुवनेश्वर कुमार, समझे। इंपैक्ट में राहुल त्रिपाठी है जो कि लास्ट मैच खेले थे, वो आ सकता है। प्लेयर्स बैटल पे चलते हैं, प्लेयर्स बैटल में अगर आप लोग देखोगे ना, रमन अग्रवाल भुवनेश्वर कुमार के सामने 2 बार आउट हुए, ये दोनों डक्स है, मतलब भुवनेश्वर कुमार के सामने आउट हुआ है, फर्स्ट बैटिंग में ले सकते हो, सेकंड में फिर आप चाहो तो छोड़ सकते हो। सुनील नारायण को 2 बार आउट किया भुवी ने, ये स्ट्रगल है, 2 बार यांसन ने, 3 बार उनाडकट ने, 3 बार सुंदर ने। नीतीश राणा का देखोगे वही सेम चीज, 2 बार भुवनेश्वर कुमार ने आउट किया, स्ट्रगल है, 3 बार नटराजन ने आउट किया है, उसके अलावा 2 बार सुंदर ने, रिंकू सिंह को नटराजन ने 3 बार, तो ध्यान में रखना ये चीज। श्रेयस अय्यर का देखोगे सुंदर ने 2 बार आउट किया है, उसके अलावा अगर आप देखो कोई बड़ा मैचअप नहीं है, उमरान ने 2 बार, 2 बार जयदेव उनाडकट ने। वेंकटेश अय्यर का मार्को यांसन ने 3 बार आउट किया है, जो शायद नहीं खेलेंगे, नटराजन ने 2 बार, आंड्रे रशल को भुवी ने 2 बार, लेकिन पिटाई बहुत हुई है। बाकी मार्कंडे ने अच्छी गेंदबाजी की है यहाँ पे, किसके सामने, रसल के सामने। यहाँ पे आप देखोगे बड़े मैचअप्स आपको नहीं दिखेंगे, यहाँ ट्रिमियर सीट का कोई मैचअप नहीं, अभिषेक शर्मा, आंड्र रशल ने 2 बार आउट किए, बाकी कोई बड़ा मैचअप नहीं है, हेनरी क्लासेन कोई बड़े मैचअप नहीं है, अब्दुल समद का बड़ा मैचअप नहीं है, और रिंकू सिंह के भी, सनवीर सिंह का कोई बड़े मैचअप नहीं है, क्योंकि इस बार ये प्लेयर ज्यादा आए हैं उभर के तो वो ज्यादा खेले नहीं है, समझ गए। टीम की तरफ चलते हैं, टीम में मैंने क्या क्या, क्लासेन को रखा है, गुरबाज, ट्रिविया सीड, अभिषेक शर्मा मैंने एज फिलहाल कैप्टनसी दी है, श्रेयस अय्यर आप इसकी जगह है ना, आप चाहो तो वो ले सकते हो, नीतीश राणा को आप इसकी जगह है जो कि राणा रख सकते हो, आंड्रे रशल, सुनील नारायण है जो वाइस कैप्टन, नीतीश कुमार रेड्डी, रेड्डी को अगर आपको छोड़ना पड़े आप छोड़ सकते हो, जी हाँ, नीतीश कुमार रेड्डी को अगर आप छोड़े तो आप छोड़ सकते हो। नटराजन, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, अब 2 चेंजेस क्या हो सकते हैं यहाँ पे, एक तो मिचेल स्टार्क की जगह आप वरुण चक्रवर्ती रखेंगे, दूसरी आप नीतीश कुमार रेड्डी की जगह है वो कौन रख सकता है, नीतीश कुमार रेड्डी की जगह जो नीतीश राणा है, सॉरी नीतीश राणा वो जो गेंदबाजी करता है, क्या नाम है उसका यार, वो राणा राणा है ना, जो भी आप समझ गए होंगे, केकेआर का जो बोल रहा है डेथ में आता है, उसको आप ले सकते हो। तो ये इतने चेंजेस पॉसिबल है जो कि मैं कर सकता हूं।
जो कि मैं कर सकता हूं। बाकी गेम चेंजर कैप्टन वाइस कैप्टन बता दिए, ट्रम्प कार्ड मैंने बता दिए, वो सारी चीजें वीडियो के अंदर है। अगर आप सीधा यहां आया तो जाके देखिए, इस टीम के साथ कॉन्टेक्ट ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।